हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम स्टार्ट द चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर। प्लीज़ पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। बाकी के चैप्टर्स की वीडियो एंड एक्सरसाइज की वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें हमें क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। सिंप्लीफिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स क्या होता है, ब्रैकेट्स आर यूजफुल इन मेकिंग द कैलकुलेशन ईजियर। Brackets are used for the grouping the numbers so that the simplification becomes simpler. इसमें हमारा क्या होता है कि हमारी जो ब्रैकेट्स होती हैं, ब्रैकेट्स की हेल्प से हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ईजी हो जाती है। उसे हम ग्रुपिंग के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक रूल होता है, बोडमास रूल। बोडमास की फुल फॉर्म होती है हमारी ब्रैकेट्स ऑफ डिवीज़न मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल, इफ़ देयर इज़ ब्रैकेट्स आर सॉल्व इट फर्स्ट। अगर हम बोडमास का रूल का यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स। टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स कैसे क्या होती हैं हमारे, देयर कैन बी मोर देन ब्रैकेट्स आर टू बी गिवन वन इनसाइड द अदर। We use different brackets in the fixed order. Then क्या होता है कि हम जब कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारे पास different different brackets होते हैं, तो हम उन्हें धीरे धीरे हम सोल्व करते हुए चलते हैं। जैसे कि नंबर वन बार, अगर बार होता है तो पहले हम बार को सोल्व करेंगे, बार के बाद फिर उसको हम प्लस माइनस जो भी होगा वो करेंगे। देन स्मॉल, इसकी होता है हमारी स्मॉल ब्रैकेट्स, इसको हम बार बोलते हैं। देन इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स और पेरीथेसिस ब्रैकेट्स। देन थर्ड है हमारी कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रिक्स। एंड फोर्थ होती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स और बिग ब्रैकेट्स। हम धीरे धीरे पहले ये सोल्व करते हैं, फिर ये वाली ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। If all the brackets are used in a problem, the order to solve them be। अगर हम brackets का use करते हैं, अगर कोई problem आती है तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हमारा जो plus minus होता है उसको solve करते हैं। Then small bracket, then curl bracket and then big bracket। आपको ये इस form में मिलेंगे, bar, small bracket, curl bracket and big bracket। इसका हम एक example ले लेते हैं। For example, 12 divide big bracket start 10 प्लस बिग बैग स्मॉल कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 6 स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 5 माइनस 3 बार प्लस 1 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 9 बिग ब्रैकेट क्लोज। तो हम पहले क्या करेंगे, रिमूव करेंगे बार को। तो रिमूव करा हमने बार को, 5 माइनस 3 तो कितना जाएगा 2, रिमूविंग बार देन प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना जाएगा 3, बाकी जो हमारा है वो साथ चलता हुआ चलेगा। देन 3 6 3 जो कितना हो जाएगा 18। आप ये आगे 18, इसमें हमने क्या करा, बोडमास रूल का अप्लाई करा, ब्रैकेट्स को क्या कर दिया, रिमूविंग ब्रिक्स। एंड हम क्या करेंगे, रिमूविंग डिवाइड। तो 9 को 18 से डिवाइड कर दे तो कितना जाएगा मेरा 2। देन 12, ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 कितना जाएगा मेरा 12। तो 12 डिवाइड 12 कितना हो जाएगा, ये 12 डिवाइड 12 तो ये कितना जाएगा 1। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। एंड प्लीज़ शेयर दिस। थैंक यू।